उत्तराखंड राज्य सिविल परीक्षा PCS की प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। बागेश्वर जिले में परीक्षा के लिए 8 सेंटर बनाए गए थे। गरुड़ विकासखंड में 2 केंद्र थे जबकि बागेश्वर में 6 सेंटर बनाए गए थे। PCS परीक्षा के लिए कुल 2,151 अभ्यर्थी पंजीकृत थे जिसमें से लगभग 1,110 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा दी है। परीक्षा के लिए पुलिस ने भी परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। परीक्षा के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। मैं उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी इसमें हमारे ज़िले में 8 सेंटर थे और जिसमें 2 गरुड़ थे और 6 बागेश्वर में हैं। और इसमें जो कुल स्ट्रेंथ है वो हमारे जो पंजीकृत अभ्यर्थी थे वो 2,151 थे और उसमें से लगभग 1,110 उसमें प्रेजेंट हुए, यानी 52% के करीब अभ्यर्थी जो है प्रेजेंट हुए थे। और परीक्षा जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है और पुलिस प्रशासन एवं समस्त जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, कक्ष निरीक्षक थे, प्रिंसिपल्स लोग थे, जो हमारे सेंटर स्टूडेंट थे, सबका सहयोग जो है बहुत अच्छी तरीके से रहा और परीक्षा जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल हो गई। PCS का ये प्रीलिम एग्ज़ाम था, 2 शिफ्ट में हुआ। मॉर्निंग में 10 to 12 था और अभी इवनिंग में ये 2 to 4 o'clock था। मॉर्निंग में जनरल स्टडीज पे का था और इस समय ये एप्टीट्यूड वाला टेस्ट था। और टोटल जो हमारे सेंटर में बच्चे एनरोल थे 450 एनरोल थे और मॉर्निंग में जो टोटल प्रेजेंस रही वो 203 एब्सेंट थे और 247 बच्चे प्रेजेंट थे। लेकिन अभी इवनिंग शिफ्ट में 244 बच्चे प्रेजेंट थे और 206 बच्चे एब्सेंट थे और काफ़ी शांतिपूर्वक परीक्षा हो गई। मैं इसके लिए सारे प्रशासन का धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। CCN न्यूज़ के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।